खबर रायपुर से है, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके विरोध में 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मध्याह्न भोजन में पीडीएस चावल में कटौती की गई, उसके बाद केरोसिन में कटौती की गई और साथ साथ अब लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, जिससे आम जनता उपभोक्ता परेशान है। धान का समर्थन मूल्य पहले 1750 था, अब मात्र 50 रुपए बढ़ाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री 25 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं। भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार से हमने निवेदन किया कि धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए, मगर वो भेदभाव कर रही है। ऊपर से छत्तीसगढ़ सरकार को धमकी दे रही है, अगर आप 2500 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीदेंगे तो हम केंद्रीय पूल का चावल खरीदना बंद करेंगे। इस ढंग से लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही है। धार जिले के धामनोद